लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों संबंधित बैठक जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे मतदान केंद्रों का व्यापक निरीक्षण कर लें तथा बूथों पर समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा लें और जहां कमियां दिखाई दें उसे तत्काल ठीक कराएं। डीएम ने कहा कि रूट चार्ट तैयार कर दिए जाएं ताकि पोलिंग पार्टी को पहुंचने में किसी तरह की असुविधा ना हो। डीएम ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अजित कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उपजिलाधिकारी प्रथमेश कुमार सहित सभी एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वो आपको नॉमिनेशन के एक उसमें साइन करेंगे, तो उस सूची को समय से तैयार करा लेना। इसके बाद नोडल अधिकारी वीडियोग्राफी है, तो ये आशी लगभग कितने वीडियो कैमरे उपलब्ध हैं, और इसके अलावा हमारे पास रोजगार सेवक वगैरह के पास भी इस वो छोटे कैमरे रहते हैं, डिजिटल कैमरे करके सभी रोजगार सेवकों से जिनके पास दिखवा लीजिए। और बीपीआरओ कार्यालय से, बीपीआरओ साहब आए हैं करा लीजिए सूचना अधिकारी के माध्यम से कि हम लोग को मार्केट से कितने कैमरे ऑपरेटर्स मिल सकते हैं, कैमरामैन वगैरह। हां, जब वो बल्ला के ऊपर बूस्ट करेगी उसको मिल जाएगी, उसके हिसाब से। ठीक, और बड़ी बात है, लेकिन एक टेंटेटिव तो आ गई है। टेंटेटिव आ गई है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब वो वहां पर कैंडिडेट का लिस्ट आ जाती है कि किन किन ने नॉमिनेट करें। सर, एक और ऐड करना था, जैसे जो सेक्टर में सर एक ही तहसील से अभी ग्राम सभा तहसील वाले सूचना दिए कैंपेयर करने के लिए। सर, सात तहसील हैं, जो सभी लोग भेज दें सर कि हमारे इतने बूथ हैं, इतने सेक्टर हैं, ताकि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ से हम लोग नियुक्त करें, उनको सेक्टर वाइज नियुक्त करके यहीं से भेज दें सर। उसकी मोबिलिटी है और 5-7 बार वो हर बूथ पर जा पाए, इस तरह का उसका रूट हो, और इस तरह से उसे कहीं ऐसा ना जाना पड़े कि रूट से हट हट के उसे घूमना पड़ रहा है। तो लेखपालों और कानूनों को बैठाल कर और ये तय करा लीजिए कि रूट जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के हैं उसके हिसाब से सेक्टर को कटवाएं, और उसी हिसाब से वो अपना सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी करेगा, वरना उसे परेशानी होगी। इलेक्शन के लिए एक बूथ में गया तो दूसरे बूथ में पहुंचने में उसे आधा घंटा लग गया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और वो फिर लॉ एंड ऑर्डर में इफेक्टिव नहीं रह पाएगा, और वो उसको इजिली विजिट कर सके। और एक एसडीएम साहब हर सेक्टर मजिस्ट्रेट का कि बूथ संख्या ये फलाना रोड के दाहिनी तरफ 100 मीटर पर है या रोड के बाईं तरफ 400 मीटर पर है, रूट चार्ट का एक मतलब प्रोटोटाइप उन्हें मिल जाएगा, तो उन्हें अपनी ड्यूटी करने में दिक्कत नहीं होगा। 200 मीटर पे हमारा बूथ है, फिर थोड़ी दूर आगे गए तो बाईं तरफ 400 मीटर पर है या 150 मीटर पर है, जो भी पोजिशन हो रफली वो लेखपाल को आइडिया रहता है, वो बता देगा कि इस बूथ की इतनी दूरी है मेन सड़क से। तो इसमें समय समय पर मांगा जाएगा कि कितनी समस्याएं आई, कितना निदान उसका एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का जवाब जाएगा, और सुगम है जो भी है, समाधान है, सुविधा है। तो सी विजिल पे अभी कोई कंप्लेंट आ रही है क्या? नहीं सर, सी विजिल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। क्या कंप्लेंट आई है, उसका क्या जवाब दिया गया, उसको आप विजिट भी करते रहिए और सीन करते रहिए रजिस्टर को कि ये प्रॉपर जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आपकी रिपोर्ट आएगी कि ये वल्नरेबल पॉकेट्स है, वैसे दबंगई का बहुत कम रहते हैं पॉकेट्स, तो तीन लोगों के प्रॉपर ऑब्जर्वर को भी देने होंगे, कमीशन को भी देने होंगे।